जून 2017 मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर में मजे में अपने YouTube जर्नी जो है वो स्टार्ट करी। पहला चैनल लॉन्च किया था अनमोल जायसवाल के नाम से, जिसमें मैंने गेमिंग से रिलेटेड टेक वीडियोस बनाई, जैसे कि गेमिंग कंसोल्स की अनबॉक्सिंग हो गए, गेमिंग पीसीज हो गए, या फिर जो गेमिंग वाली मार्केट थी ना वहां के व्लॉग्स भी बनाए। और भाई मजे में पता ही नहीं चला कब पूरा 2017 और 18 निकल गया एंड टाइम आ गया था जुलाई 2019 का, जब मेरे कॉलेज का थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला था और सर पे डिसीजन था कि आगे क्या करना है। पहला ऑप्शन था जॉब का, दूसरा ऑप्शन हायर स्टडी जैसे कि एमसीए करना, या तीसरा ऑप्शन था यूट्यूब को ही कंटिन्यू करना फुल टाइम। और तब तक ना मैंने दो चैनल्स बना लिए थे, अनमोल जायसवाल पहला और सेकंड था एजे गेमिंग। जो ये दूसरा चैनल था ना, इसमें मैं गेम प्लेस डाला करता था, हालांकि ये चैनल अभी इतना चला नहीं था। जो मेरा अनमोल जायसवाल था उससे ना पैसे आ रहे थे, बट हर महीने ना डिफरेंट अमाउंट था, कभी 5,000 भी आ जाता था, कभी 50,000 भी। तो मैंने क्या सोचा, चलो बैठ के कैलकुलेट करते हैं लास्ट एक साल का ना एवरेज निकालते हैं कि 12 महीने में मैंने इस चैनल से टोटल कितने अर्न करे और उसको फिर 12 से डिवाइड करके मंथली इनकम निकल जाएगी। एंड सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर निकल के आई वो थी भाई 25,000 से 30,000 की, मतलब ये मंथली आ रहा था। एंड उस टाइम पे ये जो इनकम थी ना भाई, ये पूरी तरह से मेरी थी, क्योंकि ना कोई टीम थी उस टाइम पे, ना मैं कहीं रेंट पे रहता था, ना मुझे घर पे पैसे देने पड़ते थे, मतलब जो था वो मेरा अपना आ रहा था और खर्चा जीरो था। फिर मैंने जो सेकंड ऑप्शन था उसके बारे में सोचा कि अगर मैं इस टाइम पे फुल टाइम जॉब कर लेता हूं, एक्चुअल में मेरा जो पैकेज होगा वो कितना मिल सकता है मिनिमम से मैक्सिमम। अब मैं बता दूं, मैंने जो ग्रेजुएशन थी वो बीएससी कंप्यूटर साइंस में करी थी, जो कुछ इतना बड़ा खास कोर्स नहीं है, बट हाँ वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ARHD कॉलेज, तो उससे हो सकता था कि जॉब कहीं पर मिल जाए। तो मैंने उस वक्त वैसे ही थोड़ा रिसर्च वगैरह करके ये पता लगाया कि 15,000 से 25,000 तक की मेरे को जॉब मिल सकती है एज अ फ्रेशर ग्रेजुएशन करने के बाद। और 25,000 भी कुछ कंफर्म नहीं था भाई कि मिल जाए, क्योंकि स्किल्स कुछ थी नहीं उस टाइम पे। कंप्यूटर साइंस में भले ही बीएससी करी थी बट इतना कुछ नॉलेज नहीं थी, या फिर कोडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता था कि गूगल मेरे को ले जाएगा और लाखों का पैकेज दे देगा। तो अगर जॉब मिल भी गई तो मिल जाएगी 25,000 पर मंथ की, और यूट्यूब से जो मेरी कैलकुलेशन थी वो भी नहीं थी भाई कि 25,000 से 30,000-35,000 रुपए मंथली। अब ये मंथली आ नहीं रहा था, आ रहा था किसी महीने 5,000 भी 50,000 भी, बट जो एवरेज निकल के आ रहा था मंथली वो 25,000 से 30,000 था मेरा। फिर तीसरे ऑप्शन के बारे में मैंने सोचा कि अभी इसके बाद चलो थोड़ी स्टडीज के लिए और आगे जाते हैं, एमसीए करते हैं 2 साल की। फिर मैंने सोचा यार 2 साल वापिस से पढ़ाई में लगाऊंगा, कोडिंग वोडिंग मेरे को सीखनी तो कुछ है नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट ही होगा, उससे अच्छा तो जॉब या फिर यूट्यूब को कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट मिलता ही रहेगा ना, 2 साल में कुछ तो अपग्रेड होगा सैलरी में। और जॉब भी जो 25,000 की मिलती है अगर मुझे, उसको भी 40,000-50,000 तक पहुंचने में 1 साल तो मिनिमम लगता ही लगता है ना। तो मैंने ये सोचा चलो जॉब छोड़ते हैं, आगे की पढ़ाई छोड़ते हैं, अब जो है वो यूट्यूब पे ही फोकस करते हैं फुल टाइम, ताकि ये जो 25,000 से 30,000 की एवरेज इनकम आ रही है मंथली वो 1 साल के अंदर अंदर अगर 40,000 से 50,000 की हो गई, और साथ ही साथ में मंथली स्टेबल भी हो गया, कि ऐसा नहीं कि 1 महीने 5,000 आ रहे और 1 महीने 50,000। ये सब सोचते हुए मैंने 1 साल सोचा चलो यूट्यूब को देते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे लाइफ का कि आगे क्या करना है। तो जैसे ही कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुए, मैंने सोचा कि अब घर में तो वीडियोस बन नहीं सकती अगर फुल टाइम करना है, तो मैंने अपना फर्स्ट प्लेस जो है या फर्स्ट स्टूडियो जो है वो रेंट लिया। छोटा सा रूम था 10x12 का शायद से, और 4,500 रुपए मैं उसका रेंट देता था मंथली, और बिजली का मिला के कुछ 6,500 रुपए का खर्चा था, जिसमें मैं ये श्योर नहीं था कि उस महीने 6,000 आएंगे भी या नहीं आएंगे, या आएंगे तो हो सकता है 50,000 आ जाए कि पूरे साल का रेंट निकल जाए। तो ये छोटा सा एक रिस्क लेके मैंने जो है वो स्टूडियो रेंट पे लिया, वहां पे प्रॉपर सेटअप बनवाया, 20-30,000 का खर्चा आया था उसमें, ये भी 20-30,000 मेरे यूट्यूब की इनकम थी जो पुरानी जुड़ी हुई थी सारी। इसके बाद मेरा जो एजे गेमिंग चैनल था मैंने उसको भी फुल टाइम करना शुरू किया, रेगुलर हर रोज मैं एक एक वीडियो डाल रहा था, अनमोल जायसवाल पे भी, एजे गेमिंग पे भी एक वीडियो। एंड ये चीज करने के बाद ना जैसे ही मैंने रेंट पे नया स्टूडियो लिया, उसके 2 महीने के अंदर अंदर मेरा जो एजे गेमिंग चैनल था उसकी फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई, कुछ 1.5 मिलियन व्यूज आ गए थे उसमें, और उसकी जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा था ना सब में 1.5 लाख-2 लाख व्यूज आ रहे थे, जिससे कि एडसेंस का भी जो रेवेन्यू था ना वो इतना स्टेबल हो गया था कि खाली मुझे एजे गेमिंग चैनल से ही मंथली 30-40,000 रुपए एडसेंस के आ रहे थे। हालांकि उस टाइम पे ब्रांड्स कोई नहीं थे, बट एजे गेमिंग की एक अलग रेवेन्यू हो गया था और अनमोल जायसवाल का एक अलग हो गया था। उसके बाद मैंने इन्हीं पैसों को ना यूट्यूब पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कैमरा, लेंसेज, माइक, PC, टेबल बनवाए और अच्छे लाइटिंग पे काम किया काफी ज्यादा। एंड करते करते अगले 2 सालों में मैंने टोटल 5 चैनल स्टार्ट किए, 2 ये ऑलरेडी थे और 3 और नए स्टार्ट किए, और इन चैनल की जो टोटल इनकम थी ना वो यूट्यूब पे इन्वेस्ट करता ही, साथ ही साथ में 9 कंट्रीज में ट्रेवल किया। एंड ये जर्नी चली रही थी कि 2020 मार्च में आ गया COVID-19 इंडिया में। उसके बाद भाई आपको पता ही है क्या सिचुएशन हुई, सब लोग जो है वो घर में ही लॉकडाउन हो गए थे, मतलब दूसरे देश तो घूमने की दूर की बात है, एक गली से दूसरी गली जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ 2019 में जब कोविड आया था, उस टाइम पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी शुरू करी थी, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्मॉल केस हो गया, स्टॉक्स हो गए, इन सब में भी जो है अपनी इनकम का कुछ कुछ पार्ट मैं इन्वेस्ट करता रहा, और जो उससे रिटर्न्स मिले ना भाई वो
वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने मिल सकते हैं। वही कोविड 19 की वजह से मार्केट डाउन हुई थी और फिर एकदम से उठी थी कुछ महीनों बाद। इसी सब चीजों की वजह से मेरे रिटर्न बहुत ज्यादा निकल के आए थे। एंड इस टाइम तक मैं अपने उसी वाले स्टूडियो में था जहां पे मैं 4,500 रुपए रेंट देके रहता था, बट इनकम जो है वो स्टेबल हो गई थी। तो मैंने सोचा अब जो ये खर्चा हो रहा था दूसरी कंट्रीज घूमने में, इसको किसी और तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तब मैंने जून में अपनी फर्स्ट बाइक ली जो कि थी KTM एडवेंचर, और जैसे ही लॉकडाउन खुला भाई उस बाइक से अपना इंडिया में ही ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं करता था इंडिया में ट्रैवल, बट बहुत कम करता था, मतलब ज्यादातर कोशिश रहती थी कि दूसरी कंट्रीज में ही जाया जाए। एंड ये सब करते करते हुआ क्या, मेरा जो इंडियन बैकपैकर चैनल था भाई, उसने भी उस टाइम बिल्कुल पीक पकड़ ली, काफी वीडियोस वायरल जाने लगी। नॉर्मल वीडियोस थी जो बाइक खरीदी, डिलीवरी ली, उससे घूमने गया, पैनियर्स लगवाए, उसके बाद एक इनकम का सोर्स और बढ़ चुका था अपने जो टोटल रेवेन्यू था उसमें। एंड अभी तक मेरी कोई और टीम नहीं थी, अकेला ही हैंडल कर रहा था, बस वो जो वहां का रेंट था वो देना होता था, और घर पे भी कुछ ऐसा सीन नहीं था कि खर्चे के लिए पैसे वैसे देने। और फिर ये सब चलता रहा, 2020 पूरा निकल गया, 2021 भी निकल गया। एंड इन दो सालों में मैंने काफी सारी चीजें खरीदी यूट्यूब के पैसे से ही। अपनी फर्स्ट कार Hyundai Centro ली, उसके बाद अपनी फर्स्ट न्यू कार Hyundai Creta जो 20 लाख की थी वो ली, फिर जून में Hayabusa ली, सितंबर में BMW 1250 GSA ली, करते करते XUV 700 महिंद्रा थार, टाटा टियागो, फोर्ड एंडेवर, एंड फाइनली 2022 में जाकर अपनी ड्रीम कार BMW X7 जो 1.4 करोड़ की पड़ी। और किसने सोचा था भाई, वो जो थर्ड ईयर के बाद डिसीजन था वो मुझे 30,000 से 1.4 करोड़ तक की BMW तक ले आएगा, वो भी 3 साल के अंदर अंदर। और उस टाइम अगर मैं जॉब ले लेता तो अभी 2-3 साल बाद भी भाई ईयरली कितना 20-25 लाख का पैकेज होता, इससे ज्यादा तो नहीं जाता ना। और इस पैकेज से भाई 3 साल के अंदर अंदर BMW लेना तो नामुमकिन सी चीज है। अब ये थी भाई छोटी सी एक मेरी फाइनेंशियल स्टोरी। एंड इस चैनल को बनाने का ना मेन मोटिव ये है कि भाई हम पैसों के बारे में बात करें, भले ही वो यूट्यूब से हो, मेरी इन्वेस्टमेंट से हो, या बिजनेस से हो, क्योंकि गेम सूक भी मैंने बीच में स्टार्ट किया था, उसका क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, उन सब के बारे में भी बात करनी है, तो हम ऑब्वियसली अपने दूसरे चैनल्स पे नहीं कर पाते हैं खुल के। मेन मोटिव तो यही रहने वाला है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से, और अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हो तो उनको इन्वेस्ट कहां कर सकते हो। अब इसमें दो चीजें होगी, पहला मैं अपने इनकम और ये सब बिजनेस के बारे में तो बात करूंगा ही, सेकंड भाई आप लोग भी जो है हमारे चैनल पे आके अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हो, भले ही वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, यूट्यूब से रिलेटेड हो, कोई ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट हो आपकी, स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, इनमें से किसी भी चीज में अगर आपने सक्सेस पाई है तो भाई आपको हम अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम हमने लिटिल थिंग्स रखा है उसमें इनवाइट करेंगे, और आपके साथ पूरी एक चर्चा होगी पैसों से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो अगर भाई आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमें इस वाली ईमेल पे कॉन्टैक्ट करके अपने चैनल के लिंक्स या जो भी स्टार्टअप है उसके लिंक्स भेज के अपनी जर्नी शॉर्ट में ईमेल पे समझा के भेज सकते हो। यही सेम ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फिर उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि एक्चुअल में किन लोगों की स्टोरी जो है वो दूसरों की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करेगी, फिर अपना साथ में मिलके बैठ के बनाते हैं कुछ। आपको सिंपल क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के नोटिफिकेशन का ना ऑल का ऑप्शन आएगा वो क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।